हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों बताने जा रहा हूँ जिस प्लॉट की साइज है 35 फीट बाई 45 फीट, साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ प्लॉट का हमारा मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 45 फीट। 45 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की या गहराई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 35 फीट। 35 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 35 × 45 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और साउथ की तरफ हमारा प्लॉट का फेस है, मतलब कि दक्षिण मुखी प्लॉट है। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साउथ ईस्ट कॉर्नर पर हमारे पास बना हुआ पोर्टिको, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 13 फीट 9 इंच। 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पोर्टिको रहेगा। और यहाँ पर हमारा 2-3 स्टेप अप रहेगा और फिर यहाँ से हमारा घर का मेन डोर स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने किचन को थोड़ा सा अंदर ले रखा है और यहाँ पर भी एक पिलर आएगा और ये हमारा अच्छा सा यहाँ से लुक भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इससे पोर्टिको से आगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राॅइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 3 इंच बाई 14 फीट। 12 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यह हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारे सामने पोर्टिको के अंदर निकल रही है। अब ड्राइंग रूम से सीधा इस तरफ चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 फीट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर आर्च बना हुआ है। यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, या आप इसको हॉल कह सकते हो, जिसकी हमारे पास साइज है 14 फीट बाई 17 फीट 9 इंच। 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 17 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया होगा। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर पोर्टिको की तरफ और एक 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर दोस्तों हमारा स्टेयर कैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। स्टेयर केस जहाँ डाउन हो रहा है उसे थोड़ा सा आगे यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। और बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पास में यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाजा है और कॉमन WC आ रहा है, मतलब कि ये सिर्फ लेटरिन है, जिसकी हमारे पास साइज़ की बात करते हैं तो 6 फीट बाई 7 फीट 7 इंच हमारे पास इसकी साइज है। 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन WC हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पश्चिम दिशा के अंदर हमने 4 फीट बाई 6 फीट का OTS छोड़ रखा है, जिसका अंदर निकल रहा है। और इस OTS के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने यहाँ से 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। आप कॉमन WC से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इस OTS के अंदर निकल रही है। बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन बाथरूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन बाथरूम हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन या उत्तर दिशा के अंदर हमने OTS छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 10 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा OTS है, जिसके अंदर इस कॉमन बाथरूम का वेंटिलेशन निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा हो गया डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी 4 फीट की विंडो भी इस OTS के अंदर निकल रही है। और इस OTS के अंदर जाने के लिए यहाँ से डाइनिंग और लिविंग एरिया से यहाँ से 3 फीट का दरवाजा दे रखा है। अब इस 3 फीट का दरवाजा हम जैसे ही खोलते हैं तो ये OTS आता है और उसके साथ में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 12 फीट 3 इंच। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पूजा रूम हो गया। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, दक्षिण दिशा, यहाँ पर पोर्टिको, घर का मेन डोर, ड्राॅइंग रूम, डाइनिंग और लिविंग एरिया, किचन, यहाँ पर स्टेयरकेस, बेडरूम, कॉमन WC, OTS और बेडरूम, कॉमन बाथरूम, OTS और ये हो गया हमारा पूजा रूम। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हो सकता है कि और का ये प्लॉट हो और उनको ये डिज़ाइन पसंद आ जाए तो उनका काम हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।